हेलो, गुड मॉर्निंग एंड मोस्ट वेलकम। तो कैसे हैं आप लोग? तैयारी अच्छी चल रही है? चलिए फिर आज हम लोग वुचरेरिया बैनक्रॉफ्ट टाइप की लाइफ हिस्ट्री देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल, बहुत इजी और छोटा सा होता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी होता है। तो शुरू करें कहानी वुचरेरिया बैनक्रॉफ्ट टाइप। आगे बढ़ते हैं, पता ही है आपको कि इसको कॉमनली क्या कहते हैं। फाइलेरिया वर्म कहा जाता है या एलिफेंटियसिस वर्म कहा जाता है, क्योंकि इससे पाँव में स्वेलिंग आ जाती है और हाथी के पाँव के जैसा दिखने लगता है। तो हाथी पाँव की बीमारियां इससे होती हैं। आप देख पा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एक बहुत ही सुंदर सा बनाया गया है और बहुत ही बहुत खूबसूरत दिख रहा है। वैसे तो ये दिखने में क्रीम वाइट कलर का होता है, यहाँ पे जो वर्म आपको दिख रहा है, पर दिख बस खूबसूरत रहा है। अगर बॉडी में आ गया तो वो बिल्कुल हमें खूबसूरत नहीं रहने देता, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। और इसको ट्रांसफ़र करने वाला भी आपको बगल में दिख रहा है, ये मॉस्किटो है ना। तो प्रोबेबली आप जानते ही होंगे दोनों का नाम, पर फिर भी आज के डिस्कशन के बाद आपकी बाकी सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी दूर। तो आई रविकांत वेलकम यू ऑल इन दिस ब्यूटिफुल सेशन। शुरू करें फाइलेरियल वॉर्म। ओके, द फाइलेरियल नेमेटोड्स बिलोंग टू द ऑर्डर फाइलेरॉइडी। दे आर लिपलेस एंड फिलीफॉर्म वर्म्स इन विच फेरिंग्स इज नॉट बल्बस। द मस्कुलर एंटीरियरली एंड ग्लैंडुलर पोस्टीरियरली। तो फेरिंग्स की आप देख रहे हैं कि ये बल्बस बिल्कुल भी नहीं होगा, मस्कुलर होगा एंटीरियर पार्ट में और पोस्टीरियर पार्ट में। ग्लैंडुलर आपको ये दिखेगा। जेनेटल अपर्चर की बात करें इन फीमेल इज प्रेजेंट, तो फीमेल में जेनेटल अपर्चर प्रेजेंट होगा। कहाँ पे? इन फेरिंजियल रीजन। बट मेल की बात करें तो मेल आर नॉन बर्सेट। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक चेंज आ गया। इसके पहले आप देख रहे थे तो मेल और फीमेल बहुत अच्छे से डेवलप दिखा करते थे, बहुत बढ़िया, मतलब अच्छी कंडीशन में हुआ करते थे। बट यहाँ पे क्या है कि फीमेल तो एडवांस दिख रहा है बट मेल में कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन यानी जो अभी हम पढ़ेंगे वो सिर्फ हम विचरेरिया के बारे में पढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जो फिलेरॉयडी वाले जो मेंबर्स होते हैं, यानी जो आप फाइलेरिया वाले देख रहे हैं, नेमेटोड में इसको पहली बार स्टडी की गई थी नेमेटोड्स में, और ये देखा गया कि ये ह्यूमन को भी प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो पढ़े जा रहे थे वो प्लांट निमेटोड्स हुआ करते थे या प्रभावित नहीं करते थे, बीमारियां नहीं फैलाते थे। बट इसको जब विचरेरिया को बहुत अच्छे से स्टडी किया गया तो पता चला कि भाई साहब देखिए ये ऐसे निमेटोड्स हैं। इसकी कंप्लीट स्टडी हुई तो पता चला कि जितने इस पर्टिकुलर ऑर्डर से बिलोंग करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं, स्पेशली ह्यूमन के रिस्पेक्ट में, मतलब काफ़ी परेशान करते हैं, बीमारियां करते हैं। और फिर इनकी पूरी पैथोजेनेसिटी एंड पैरासाइटोलॉजी की स्टडी की गई तो पता चला कि मतलब पर्टिकुलर ग्रुप में ये इकलौते ऐसे ऑर्डर होते हैं जो सबसे ज़्यादा ह्यूमन को परेशान करते हैं। फिर इसकी अलग से क्या होते हैं पैरासाइटोलॉजिकल स्टडीज़ हुई, फिर उसको कनेक्शन इस्टेब्लिश किया गया। और वो आप लोग होस्ट पैरासाइट रिलेशन जब ह्यूमन बीइंग के साथ पढ़ते हैं उस वाले सेक्शन में आपने उसको जरूर पढ़ा होगा। तो हमारा आज का मेन फोकस है विचरेरिया बैनक्रॉफ्टाई, दैट इज ह्यूमन फिलेरियल वॉर्म, एंड इट कॉजेज एलिफेंटियसिस यानी हाथी पाँव, पाँव हाथी जैसा फूल जाता है, स्वेलिंग आ जाती है गोनेड्स में, खासकर अगर मेल है तो उनके स्क्रोटम बहुत स्वेलिंग हो जाती है, उसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। या इसी को, क्योंकि फाइलेरिया से हो रहा है, फाइलेरियल वर्म है तो फाइलेरियासिस। एम आई क्लियर? कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये एक सेक्शन है माइक्रोस्कोपिक पार्ट से देखा गया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि फ्री लार्वी है और यहाँ बहुत सारे लार्वी जो है यूटेरस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो अलग अलग जगह पे ये अलग अलग शेप साइज को एज्यूम करते हैं। इनमें लार्वल स्टेजेस भी आते हैं, नो डाउट आएंगे ही आएंगे। इनका डेवलपमेंट जो है बिल्कुल डायरेक्ट नहीं होगा, ये याद रखेंगे। विचर एरिया बैनक्रोप्टाई के सिस्टमेटिक पोजीशन फाइलम निमेटोडा में आपको ये देखने को मिल रहे हैं, बट मॉडर्न क्लासिफिकेशन में आप कई बार देखते हैं कि इसको फाइलम जो है एस्केलमेंथिस रखा जाता है। ये बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आपको याद रहे कि
कि कौन कहाँ है, तो ऑप्शन जब भी आपके क्वेश्चंस में आए आप आराम से समझ के अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आंसर कर पाएं। बाकी अगर पिछले साल तक यानी 2016-2018 वगैरह में जैसे पेपर्स आए हैं, अगर उस तरह 19 वगैरह में अगर वैसे क्वेश्चन पेपर आते हैं, कोई आफत ही नहीं है, फिर तो आप आंख मूंद के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो फाइलम नेमेटोडा क्लास फेजमीडिया, आपको पता है फेजमीडिया, ऑर्डर फिलेराइडी फैमिली फिलेरिडी एंड जीनस विचरेरिया स्पीसीज बैंक्रोफ्टाई। आपको पता है कि अब जो स्पीसीज नाम लिखा जाता है, मॉडिफिकेशंस देखिए टैक्सोनॉमिकल मॉडिफिकेशन, तो अब जो स्पीसीज का नाम लिखा जाता है ना, उस स्पीसीज के नेम में करते क्या है कि विचरेरिया प्लस बैंक्रोफ्टाई दोनों को एक साथ अब लिखा जाता है, विचरेरिया और बैंक्रोफ्टाई दोनों एक साथ लिखा जाता है। तो यह हमेशा चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द अंडरस्टैंडिंग, जैसे जैसे अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट वर्क करते हैं, ऑथर्स काम करते हैं और फिर वो अपना तर्क देते हैं, ठीक है। ओके, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लें, विचरेरिया बैंक्रोफ्टाई हैज अ वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द वर्ल्ड एक्सेप्ट पोलर रीजन्स, है ना, यानी ये जो हमारा अर्थ है इसके जो पोल वाले पार्ट हैं बस इसको छोड़ दीजिए तो लगभग ये हर जगह पाए जाते हैं, और वार्म कंट्रीज में नो डाउट थोड़े से ज़्यादा हैं, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में भी आपको ये ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इट इज़ फाउंड इन अरेबिया इंडिया मलाया चाइना कोरिया जापान ईस्ट इंडीज़ ब्राज़ील साउथ पैसिफिक आइलैंड्स। इट इज़ रिलेटिवली एब्सेंट फ्रॉम यूरोप नॉर्थ अमेरिका एंड अफ्रीका, बट ये जो अफ्रीका में रिलेटिव एब्सेंस दिखा रहा है, ऐसा नहीं कि हर जगह अफ्रीका में गायब है, अफ्रीका के कुछ पार्ट्स में ये रिपोर्ट किया जाता है, बट इसकी जो सबसे हाई डेंसिटी होती है साउथ ईस्ट एशिया, आप कह सकते हैं कहाँ पे, साउथ ईस्ट एशिया में बहुत ज़्यादा डेंसिटी होती है। गुड मॉर्निंग दीपशिखा जी, वेलकम। चलिए हैबिटेट की बात कर लें, तो ये सब डिस्कशन है, वैसे ये कभी आपके कंपटीशन में नहीं आएंगे, बट जिनको मेंस का एग्ज़ाम देना है ना उनके लिए ये सब इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे मेंस में लिखना पड़ता है, तो थोड़ा थोड़ा शॉर्ट नोट्स हम देख लेते हैं। फाइलेरियल वर्म इज अ ड्रीडेड ह्यूमन पैरासाइट ऑफ ह्यूमन ब्लड एंड लिम्फ, खासकर लिम्फ में, याद रखेंगे ये सबसे ज़्यादा हमारे लिम्फ में प्रेजेंट होते हैं, ब्लड के थ्रू तो सर्कुलेट होते हैं बट हमारे पूरे लिम्फेटिक सिस्टम को ये प्रॉब्लम में डालते हैं। इट इज़ अ डाइजेनेटिक पैरासाइट कंप्लीटिंग इट्स लाइफ साइकिल इनटू टू होस्ट, फाइनल होस्ट इज मैन हार्बरिंग द एडल्ट वर्म्स वाइल इंटरमीडिएट होस्ट इज अ ब्लड सकिंग इंसेक्ट यूजुअली अ मॉस्किटो, यूजुअली अ मॉस्किटो, तो ये पूछा भी जाता है कि कौन सा मॉस्किटो फाइलेरियल वर्म को कैरी करता है। नाउ अगर आप लोगों में से कोई भी देख रहा हो तो उस मॉस्किटो का नाम ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है, क्योंकि ये टीजीटी पीजीटी या इस तरह के जो कंपटीशन होते हैं वहाँ पे मॉस्किटो का नाम पूछ लेते हैं, तो वो आप मुझे मैसेज करके बताइए। एडल्ट वर्म्स लाइव कॉइल्ड अप इन द लिम्फ ग्लैंड्स, आपने देखा ये लिम्फ ग्लैंड में होते, क्यूलिक्स दीपशिखा जी, एग्जैक्टली, वेरी गुड, क्यूलिक्स, ठीक है, क्यूलिक्स सबसे ज़्यादा होते हैं, और इसके अलावा एक और मान लिया जाता है बट क्यूलिक्स को मोस्ट प्रोबेबली सबसे ज़्यादा प्रिविलेज मिलती है कि ये ज़्यादा कैरी करता है, ठीक है। ओके, एडल्ट वर्म्स लाइफ कॉइल्ड अप इन द लिम्फ ग्लैंड्स एंड लिम्फ पैसेजेस ऑफ मैन वेयर दे ऑफन Obstruct the flow of lymph. तो मैंने आपसे कहा था शुरू में ही कि ये ब्लड और लिम्फ दोनों में पाया जाता है, इट डजंट मैटर, बट ये हमारे लिम्फैटिक सिस्टम को बहुत 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 प्रॉब्लमेटिक करता है, और यहाँ तक कि उसमें स्वेलिंग इचिंग इरिटेशन एंड बर्निंग भी कॉज करता है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। आप देख पा रहे हैं ये एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी स्ट्रक्चर है, तो आपको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करने को दिख पा रहा होगा, अंदर आपको डॉट्स दिख रहे होंगे, वो जो उन लोगों ने इकट्ठे किए हैं अलग अलग जगह से खा पी के, है ना। ओके, सो
अब इनके कलरेशन की बात कर लें तो आपने देखा कि कलरेशन में वो क्रीमी कलर के होते हैं, वाइट कलर के होते हैं, सेक्सेस यहाँ सेपरेट होती हैं, डिस्टिंक्ट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होती है, साइज और शेप बिल्कुल अलग अलग होती है, फीमेल बड़ी होगी मेल छोटा होगा हमेशा की तरफ, और बहुत आसानी से ये पहचान आ जाते हैं। फीमेल मेजर्स 65 to 100 millimeter इन लेंथ वाइल मेल 40 millimeter, तो बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, आसानी से पहचान में आ जाते हैं। माउथ अपर्चर इज वेरी वेरी सिंपल बट विदाउट लिप्स, ये याद करेंगे। इसके पहले लिप स्ट्रक्चर आप देखते थे, है ना, पिछला जो क्लास था उसमें आपने देखा लिप स्ट्रक्चर होता था, यहाँ लिप एब्सेंट रहेगा, माउथ होगा, लिप माउथ अपर्चर रहेगा सिंपल, बिना लिप के रहेगा। फेरिंग्स और इसोफेगस इज डिविजिबल इंटू एंटीरियर मस्कुलर पोर्शन एंड अ पोस्टेरियर ग्लैंडुलर पोर्शन, जो आगे का हिस्सा है वो मस्कुलर है, पीछे वाला ग्लैंडुलर होगा, ठीक। यहाँ पे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर एब्सेंट रहेगा, ये याद रखेंगे, जो बल्बस स्ट्रक्चर मिलता था फेरिंग्स में वो यहाँ पे एब्सेंट रहेगा। सो एन इसोफेगस बल्ब इज लैकिंग मीन्स एब्सेंट, यू कैन से, एम आई क्लियर? ओके, इंटेस्टाइन इज सिंपल एंड एज इन अदर नेमेटोड्स, तो बिल्कुल, और वैसे भी ये नॉर्मली पैरासाइटिक फॉर्म में जब आते हैं तो बहुत ज़्यादा ही सिंपल रहते हैं, क्योंकि मॉडिफिकेशन है, आपको पता है कि ये क्या है, पैरासाइटिक एडेप्टेशन कहा जाता है इसको, लेकिन इसके लार्वल फॉर्म्स को L1, L2, L3 कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। और लार्वल स्टेजेस को अभी हम साइकिल में देखते हैं। पोस्टीरियर एंड ऑफ द मेल इज शार्पली कर्व्ड वेंट्रली कंटेनिंग अ नंबर ऑफ जेनेटल पेपिली काउडल एली टू अनइक्वल कॉपुलेटरी स्पीक्यूल्स, याद रखेंगे, यहाँ पे कॉपुलेटरी स्पीक्यूल्स होंगे जरूर, अनइक्वल नंबर के होंगे। वल्वा और जेनेटल पोर ऑफ द फीमेल इज लोकेटेड वेंट्रली इन द फेरिंजियल रीजन, फेरिंजियल रीजन में यहाँ पे वल्वा प्रेजेंट होगा एंड प्रोवाइडेड विद, अब यहाँ पे क्या होगा, पायरीफॉर्म क्या होते हैं, इजेक्टर मैकेनिज्म होगा, जिसको कोई ओविजेक्टर आप बोलते हैं, जब फीमेल के अंदर, याद रखेंगे, जब फीमेल के अंदर इस तरह की इजेक्टर मैकेनिज्म प्रेजेंट होती है तो इसको ओविजेक्टर वर्ड यूज करते हैं, तो ये भी आप अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए तैयार रखेंगे। ओके, अब यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ये जो आपको इस साइड में दिख रहा है ये एडल्ट है, ओके, और ये अभी यंग वन है या इनिशियल फेज में है, तो दो स्ट्रक्चर्स हैं, समझ लीजिए। ये देखिए ऊपर माउथ है बट कोई लिप नहीं है, लिप लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, बहुत ही सिंपल सा माउथ है। नीचे नर्व रिंग यहाँ प्रेजेंट होती है, यहाँ पे फेरिंग्स है, मस्कुलर है, आप देख रहे हैं कोई बल्बस स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, और फेरिंग्स के पास ही इसी ओपनिंग के पास वल्वा की ओपनिंग है, हालांकि ये अलग अलग है डाइजेस्टिव सिस्टम से, ये अलग है, ठीक है, याद रखेंगे। तो यहाँ पे ये ओपनिंग है और यहाँ पे क्या है, ओविजेक्टर यानी ये जो मसल्स प्रेजेंट हैं ताकि ये मतलब आगे की ओर जाकर रिसीव कर पाए, तो मूवमेंट के लिए हेल्प करेंगे, याद रखेंगे आप, ठीक है। तो ये पार्ट आपको याद रहेगा और इसके नीचे का पोर्शन ये जो है वेजाइना, और फिर नीचे ये जाके अपने नीचे के पार्ट्स में जहाँ पे एग वगैरह बनेंगे वहाँ तक ये मूव करते हैं। इसके अलावा जो बीच में पोर्शन है जो माउथ और मस्कुलर फेरिंग से बना हुआ, अगर उसको आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे तो यहाँ पे फेरिंग्स नीचे की ओर ग्लैंडुलर है और ऊपर की ओर आप देखें तो ये स्ट्राइप्स बनी हुई हैं, वो मस्कुलर है। तो लेट मी जूम दिस सो दैट इट विल बिकम वेरी वेरी क्लियर टू यू, आपको रटना ना पड़े। ओके, माउथ के पोर्शन में अगर आप देख पा रहे हैं ये जो फेरिंग्स प्रेजेंट है, सो दिस इज व्हाट स्ट्राइप लाइक स्ट्रक्चर, और ये कैसा है, ये मस्कुलर फेरिंग्स है, लेकिन जब इसी को नीचे ले आते हैं आप यहाँ पे तो यहाँ पे ग्लैंडुलर फेरिंग्स हो जाती हैं और फिर यही फेरिंग्स नीचे इंटेस्टाइन में कन्वर्ट होते हैं। काफ़ी सिंपल इंटेस्टाइन होगा यहाँ पे, ये याद रखने वाली बात है। यंग वन की एक पूरी बॉडी है यहाँ पे, और वैसे तो आपने ऑलरेडी इसको अपने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में देख लिया है तो आपको याद ही रहेगा, बट फिर भी एक बार ओवरलुक कर लेते हैं। क्यूटिकल शीथ प्रेजेंट होती है, ओरल स्टाइलेट यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, नर्व रिंग होते हैं, नर्व रिंग बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि एडवांस कैरेक्टर यहाँ पे नहीं शो करता है, सिंपली एक नर्व रिंग बस प्रेजेंट होता है। वैसे भी ये यंग वन है यानी अभी डेवलपिंग है, ठीक है। यहाँ पे नेफ्रेडियोपोर होंगे, नेफ्रेडियोपोर एक्सक्रेशन में हेल्प करेंगे, आपको पता है ये रेनेट सेल्स मदद करने के लिए प्रेजेंट हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम में,
याद रखेंगे, स्पेशलाइज्ड बात हो जाती है यहाँ पर रेनेट सेल्स का प्रेजेंस होना। और इसके बाद एपिडर्मल लेयर्स के नीचे आप आ जाइए तो डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे कंप्लीट होके बाहर माउथ के बाहर ये दूसरी तरफ एनस में ओपन होता है। कह सकते हैं कि सिंपल है, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम सिंपल है बट कंप्लीट है। फिर उसके बाद टेल रीजन भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब इस स्ट्रक्चर के बाद आ जाइए लाइफ साइकिल पे। बहुत ज़्यादा इसमें और डिस्कशन करने लायक कुछ है नहीं, तो आपने एक दो चीज़ थी वो नोट कर ली होगी। कॉपुलेशन की बात करें, कॉपुलेशन टेक्स प्लेस वेयर बोथ इंडिविजुअल या बोथ सेक्सेस यानी मेल और फीमेल दोनों एक साथ प्रेजेंट हों। कहाँ? लिम्फ ग्लैंड्स में। ये याद रखेंगे, इसलिए मैंने कहा कि ये ब्लड में पाए तो जाते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा परेशान हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को करते हैं, हमारे लिम्फ ग्लैंड्स को करते हैं। तो इनका कॉपुलेशन भी लिम्फ ग्लैंड में ही होता है जहाँ पे मेल और फीमेल दोनों एक साथ प्रेजेंट होते हैं, एडल्ट फॉर्म में होते हैं, मैच्योर होते हैं, पूरी तरह से कॉपुलेट करने के लिए रेडी होते हैं। तो ऐसी ड्यूरेशन में ये कॉपुलेशन करते हैं। और कहाँ करेंगे? लिम्फ ग्लैंड में करेंगे, ठीक है, अगर ये दोनों प्रेजेंट हैं तो। लार्वल डेवलपमेंट की बात करें तो ये ह्यूमन बींग में और अलग अलग स्टेजेस में होता है, ह्यूमन बींग में और अलग अलग स्टेजेस में होता है। मैंने कहा कि L1, L2, L3 इस तरह के स्टेजेस में होता है। तो इसको हम देखते हैं, फीमेल इज वीवीपैरस, ठीक है। वीवीपैरस का मतलब होता है, देखिए तीन वर्ड आपको सुनने को मिलते हैं। पहला है ओवीपैरस, ओवीपैरस। दूसरा वर्ड होता है वीवीपैरस, वीवी पैरस। और तीसरा होता है ओवो वीवी, ओवो वीवी पैरस। ये तीन शब्द बार बार आपके डेवलपमेंट वाले स्टेज में आते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे तो आप इन्वर्टिब्रेट जूलॉजी पढ़ रहे हो तो यहाँ पे तो वो वर्ड आएगा नहीं, लेकिन एम्ब्रियोलॉजी जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये बार बार आते हैं। तो जो सिर्फ एग देते हैं, ऐसे ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ एग ले करते हैं, है ना, एग लेयर्स, अंडे देने वाले, इनको हिंदी में अंडज कहा जाता है। क्या कहते हैं? अंडज, है ना, जो सिर्फ एग्स को ले करते हैं। सो दे आर ओवीपैरस। जो यंग वन को लेज करते हैं, है ना, जो यंग वन यानी मैच्योर अपनी जैसी कॉपी बेबी को प्रोड्यूस करते हैं जैसे ह्यूमन बींग है, तो इसको कहते हैं वीवीपैरस। यंग वंस को ले करते हैं, बाहर उनकी बॉडी से निकलता है तो यंग मैच्योर, जैसे हमारे हो गए या मैमल्स में मैक्सिमम ऐसा ही होता है, तो है ना, तो वीवीपैरस। तीसरी कैटेगरी आती है जो यंग वन और एग दोनों की कंडीशन एक साथ ले करते हैं, यानी लगभग वो एग होता है बट इतना मैच्योर हो चुका होता है कि वो यंग वन में कन्वर्ट होता है। तो अलग अलग परिस्थितियों में वो अलग अलग तरह से ले करते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली जो विचरेरिया है वो ओवो वीवीपैरस कहलाता है, यानी दोनों कर सकते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? उद्भिज, आई थिंक, है ना। तो ये डुअल नेचर के कैरेक्टर को शो करने वाला होता है। हिंदी वाला टर्म हो सकता है मेरा थोड़ा अच्छा प्रोनाउंसिएट ना हो, बहुत साल हो जाते हैं, 18-20 साल हो जाते हैं तो बहुत दिक्कत होती है। सो ये दिस इज व्हाट वीवीपैरस, बट मोस्ट प्रोबेबली दिस इज ओवो वीवीपैरस, यानी एकदम एग्जैक्टली वीवीपैरस नहीं हो गया। वीवीपैरस क्या? बहुत एडवांस कैरेक्टर माना जाता है। ये क्या माना जाता है बेटा? ये बहुत एडवांस कैरेक्टर माना जाता है। तो अभी एक्चुअल में सुपर एडवांस नहीं हो गया है। सो दिस इज प्रोबेबली व्हाट ओवो वीवीपैरस, रिलीजिंग न्यूमरस जुवेनाइल्स कॉल्ड माइक्रोफाइलरी, ठीक है ना, माइक्रोफाइलरीज को रिलीज करता है ये आप याद रखेंगे। ओके, सो नाउ दे आर बॉर्न इन वेरी इमेच्योर स्टेट, और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये ओवो वीवीपैरस हैं, बहुत ज्यादा ही इमेच्योर स्टेट में होते हैं। अगर ये मैच्योर होते तो एग्जैक्टली फिर हम क्या कहते हैं? वीवीपैरस। वीवीपैरस में जो पैदा होते हैं, जो यंग वन होते हैं, वो काफी डेवलप होते हैं, है ना, बहुत ज्यादा ही वो क्या कहते हैं, डेवलप होते हैं। ये समझ में आ रहा है? तो ओवो वीवीपैरस और वीवीपैरस, ये समझ में आ रहा है ना? इसमें कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, समझ में आ रहा है सबको? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं?
ओके ओके ठीक है. सो नाउ तो ये जो क्या होते हैं इमेच्योर स्टेट में होते हैं एंड दैट इज वाई कि बींग इनफैक्ट एम्ब्रियोज रादर देन जुवेनाइल्स. तो आप यहाँ पे क्या कह देते हैं कि ये प्रॉपरली तो उसको हम जुवेनाइल भी नहीं कह सकते, यानी इतने ज़्यादा इमेच्योर होते हैं कि उसको हम कह सकते हैं कि अभी एम्ब्रियो डेवलप ही हो रहा है, मतलब एम्ब्रियो ही अभी डेवलपमेंट की लास्ट स्टेज में पहुँच पाया है और वो बाहर निकल आए हैं. तो इसको लेके कई थियरीज हैं. दैट्स वाई नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट वाई दे आर कॉल्ड ओवोविविपेरस. ओके बट इसको जुवेनाइल ही कहा जाता है. माइक्रोफाइलेरी इसके लिए सबसे अच्छा वर्ड है. हम माइक्रोफाइलेरिया वर्ड यूज करेंगे. दे आर माइक्रोस्कोपिक अबाउट 0.2 टू 0.3 मिलीमीटर, ये बार बार कुछ ना कुछ गलत टाइप होता है, मिलीमीटर लॉन्ग, सराउंडेड बाई अ डेलिकेट क्यूटिकुलर शीथ जो बाहर प्रेजेंट होती है ताकि ये एंजाइमेटिक एक्टिविटीज जो हैं जो जिस होस्ट के अंदर प्रेजेंट है उसमें जो एंजाइम प्रेजेंट है वो उसको डाइजेस्ट ना कर दे, उसके एंजाइम उसको डाइजेस्ट ना कर दें. तो क्यूटिकुलर सीथ उसको सेफ्टी प्रोवाइड करता है. एंड कंटेनिंग रूडिमेंट्स ऑफ वेरियस एडल्ट स्ट्रक्चर्स. बॉडी ऑफ माइक्रोफाइलेरिया कंसिस्ट ऑफ अ सर्फेस कवरिंग ऑफ फ्लैटेंड एपिडर्मिस एंड इनर कॉलम ऑफ साइटोप्लाज्मा कंटेनिंग सो मेनी न्यूक्लियाई. So, अभी ये डेवलपिंग स्टेज ही कैसे, अब इन सबको पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आ रहा कि अभी ये क्या है, डेवलपिंग स्टेज में ही है, एग्जैक्टली 100% डेवलप नहीं हो गए. इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स फ्रॉम एंटीरियर एंड बैकवर्ड आर, ऊपर से ठीक है पढ़ते चलते हैं, फ्यूचर माउथ या ओरल स्टाइलेट प्रेजेंट होता है यहाँ पे, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा. You can see in this particular figure, यहाँ पे क्या oral stylet है, यानी future mouth है ये, यही बाद में mouth में convert हो जाएगा. Am I clear? So future mouth और oral stylet, nerve ring band, मैंने कहा कि वहाँ पे develop तो है नहीं बहुत अच्छे से, nephridiopore, Rennet cells, ठीक है ये ज़रूर याद करेंगे, एकदम से नया सा चीज़ आया है. ठीक है अब तक जितने भी आपने genus पढ़े वहाँ पे तो ये था नहीं, बिल्कुल नई सी चीज़ है. Rennet cells, डार्कली स्टेनिंग, ठीक है डार्कली स्टेनिंग इनर मास, फोर लार्ज सेल्स एंड फ्यूचर एनस, यहाँ पे फ्यूचर एनस भी प्रेजेंट है. तो आप देख रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल में बहुत सारी एडवांसमेंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं और साथ ही साथ बहुत ढेर सारे मॉडिफिकेशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं. माइक्रोफाइलरी डिस्चार्ज इन टू लिम्फ वेसल्स, कहाँ पे लिम्फ वेसल्स में, बट वेरी सूनर दे एंटर इन टू द ब्लड वेसल्स एंड सर्कुलेट विद इन विद द हेल्प ऑफ ब्लड शोइंग एक्टिव मूवमेंट. यानी ये काफ़ी इनकी टेल वगैरह काफ़ी स्ट्रांग होती है और आप देखा आपने कि ये मूवमेंट बहुत अच्छे से करते हैं, तो एक्टिव मूवमेंट करते हैं और माइग्रेट करते हैं डीपर पोर्शन में हमारी बॉडी में चले जाते हैं. और मैं आपको बताऊँ कि जब ये हमें एंटर करते हैं हमारी बॉडी में तो नॉर्मली लोअर लिम्स में ज़्यादा इन्फेक्शन करते हैं. लोअर लिम्स का मतलब लेग कह लीजिए, और अगर मेल हैं तो मेल के स्क्रोटम में, ये एक बहुत बड़ी मतलब बात है कि स्क्रोटम या टेस्टिस वाला जो एरिया है वहाँ पे इनका इन्फेक्शन ज़रूर होता है. तो ये एक पर्टिकुलर पैटर्न शो करते हैं. अच्छा ऐसा होता है ना कि ये एक डायगोनल रिलेशनशिप भी दिखाते हैं, ये एक तरह का डायगोनल रिलेशनशिप दिखाते हैं. जैसे अगर लेग में अगर इन्फेक्शन करते हैं ये अपना प्रभाव दिखाते हैं लेफ्ट साइड के लेग में, लेफ्ट लेग में अगर ये इन्फेक्शन दिखाते हैं तो नॉर्मली ये माइग्रेट करते हैं राइट हैंड की ओर. बाद में ये कहाँ पे मूव करेंगे फिर, अगर हैंड ऊपर वाले पोर्शन पे आना भी होगा, वैसे नॉर्मली पहुँचते नहीं, मान लीजिए आते भी हैं तो राइट हैंड की ओर, यानी एक तरह का डायगोनल तिरछा ये मूवमेंट करते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप है इनका. सो दे माइग्रेट टू रिसाइड अल्टीमेटली इन डीपर ब्लड सेल्स ऑफ द थोरक्स, ठीक है, बट दे डू नॉट अंडरगो फर्दर डेवलपमेंट अनटिल, यानी ये माइक्रोफाइलरी के ही फॉर्म में पड़े रहेंगे अनटिल जो इनका क्या होता है मॉस्किटो है, जो कि क्यूलिक्स नॉर्मली हो सकता है, इसके अलावा भी आप कई लोग कहते हैं एडीज भी होता है, तो क्यूलिक्स वैसे नॉर्मली सबसे ज्यादा अच्छा कैरियर माना जाता है, या आप कह सकते हैं कि इसका फर्दर डेवलपमेंट के लिए अच्छा इंटरमीडिएट होस्ट माना जाता है. तो याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे. ओके तो जब तक कि इंटरमीडिएट होस्ट इसको फिर से सक ना कर ले तब तक इसका फर्दर डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं होगा, और इवेंचुअली दे बिकम डाई, अगर ऐसा नहीं होता तो वो मर भी जाते हैं.
तो साइकिल को देख लीजिए, यहाँ पे बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। पहली स्टेज यहाँ से शुरुआत करते हैं, एक क्यूलिक्स। क्यूलिक्स में भी सभी क्यूलिक्स नहीं, कुछ पर्टिकुलर स्पीसीज होती हैं जो फाइलेरिया के यानी वुचरेरिया बैंक्रोफ्टाई को ट्रांसफर करने के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जिसमें से क्यूलिक्स पाइपियंस मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, क्यूलिक्स पाइपियंस याद रखेंगे, क्यूलिक्स पाइपियंस सबसे ज़्यादा एक्टिव मॉस्किटो माना जाता है ट्रांसफर करने इंटरमीडिएट होस्ट केस में, वुचरेरिया बैंक्रोफ्टाई के केस में पर्टिकुलरली। ये समझ में आ रहा है ना, वुचरेरिया बैंक्रोफ्टाई के केस में पर्टिकुलरली इसको माना जाता है। तो एक ऐसा ह्यूमन बीइंग जो पहले से इन्फेक्टेड है, इसके अंदर काफ़ी ठीक ठाक इन्फेक्शन हो गया है, तो इसके ब्लड में सर्कुलेशन होगा, तो एक क्यूलिक्स जो कि इंटरमीडिएट होस्ट है, मॉस्किटो है, उसने ब्लड को सक आउट किया और इनके अंदर माइक्रोफाइलरीज अंदर चले जाते हैं। सो नंबर वन यू कैन सी हेयर, दिस इज द नंबर वन। सो इनकी बॉडी में जाने के बाद अब लार्वी में मेटामॉर्फोसिस होगा और इसमें फिर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। लार्वी मेटामॉर्फोसिस इन विंग्स एंड थोरासिक मस्कुलेचर ऑफ द मॉस्किटो, और धीरे धीरे इनके डेवलपमेंट का स्टेज बढ़ता चला जाएगा और फाइनली ये ऐसी स्टेज में जुवेनाइल के पहुंचेंगे जो इन्फेक्शन करने में एबिलिटी बहुत अच्छी रखते हैं, यानी इनकी ऐसी क्षमता है कि अब ये इन्फेक्शन कर सकते हैं। याद रखेंगे ह्यूमन में जो जुवेनाइल स्टेज है, ह्यूमन में जो जुवेनाइल स्टेज आपने देखी वो फर्दर इन्फेक्शन नहीं कर रहा है, क्योंकि उसका फर्दर डेवलपमेंट नहीं हो सकता, और अगर उसे कोई इंटरमीडिएट होस्ट ना मिले तो कुछ दिन के बाद वो मर जाएगा, इवेंचुअली दे बिकम डाई। ओके, बट फॉर फर्दर डेवलपमेंट द क्यूलिक्स पाइपियंस का सक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही क्यूलिक्स पाइपियंस सक करेंगे, उनकी बॉडी में आपने देखा विंग्स और थोरासिक मस्कुलेचर्स में क्या करते हैं, ये ग्रो करते हैं और ग्रो करके नेक्स्ट लार्वल स्टेजेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मान सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रेजेंट है वो L1 है, उसके बाद L2, L3 है ना। अब ये जो L3 लार्वल स्टेज है, इसको आप ऐसा जुवेनाइल स्टेज कहेंगे जो इन्फेक्शन कर सकते हैं। ये भी जुवेनाइल ही है, यह भी एडल्ट में कन्वर्ट हुआ नहीं है, ये भी आप याद रखेंगे, मॉस्किटो में है लेकिन अभी एडल्ट में कन्वर्ट हुआ नहीं है, लेकिन मैच्योर पार्ट में कन्वर्ट, जुवेनाइल है लेकिन अब ये मैच्योर लार्वी में कन्वर्ट हो चुका है, ये समझ में आ रहा है, और ये इन्फेक्शन करने के लिए रेडी है। यानी ये जो फोर्थ स्टेज देख पा रहे हैं ये इन्फेक्शन करने के लिए रेडी है और ये प्रोबोसिस में आपके जो भी मॉस्किटो है, जो यहाँ पे क्यूलिक्स हम बात कर रहे हैं, तो उसके क्या होते हैं ये आगे से प्रोबोसिस वाले पार्ट में प्रेजेंट रहते हैं, और जैसे ही फिर किसी हेल्दी ह्यूमन बींग को ये फिर से ब्लड सकआउट करने की कोशिश करते हैं, उसी कोशिश में ये इस इन्फेक्टिव जुवेनाइल को बॉडी में एंटर करा देते हैं, यानी वो शरीर के अंदर चला आता है। तो ट्रांसफर वाला केस आपको समझ में आ गया ना, एक ह्यूमन बींग से दूसरे ह्यूमन बींग में कैसे ट्रांसफर हुआ। तो क्यूलिक्स पाइपियंस आप याद कर लीजिए, और देखिए 2-3 मॉस्किटो के नाम लिए जाते हैं, बट मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि क्यूलिक्स सबसे ज़्यादा अच्छा इंटरमीडिएट होस्ट वुचरेरिया बैंक्रोफ्टाई के केस में माना जाता है। सो डोंट बी कंफ्यूज, ओके। नाउ इन्फेक्टिव जुवेनाइल्स ट्रांसफर फ्रॉम द प्रोबोसिस ऑफ द मॉस्किटो टू द स्किन ऑफ द मैन, एंड वेन एवर इट विल बी बिकम हेयर इन द बॉडी, इट्स प्राइमरी टारगेट ऑफ इन्फेक्टिव जुवेनाइल इज टू मूव टू द स्क्रोटम एंड टू द लेग लोअर लिम्ब। ये याद रखेंगे हमारे, ये नहीं कि यहाँ पे कंधे पे इसने बाइट किया तो ये ब्रेन में मूव कर जाए ना, इसका एक फिक्स पैटर्न है, ये डाइअर्नल टाइप की वो क्या होते हैं मूवमेंट दिखाता है ना, दिन और रात में अलग अलग ये मूव करते हैं, याद रखेंगे आपने पीछे देख भी लिया है, और माइग्रेशन का पाथ इनका अलग अलग होता है, लेकिन एक चीज़ बिल्कुल फिक्स है, ये जब भी बॉडी में एंटर करेंगे ये हमेशा लोअर लिम्ब की ओर मूव करने की टेंडेंसी रखते हैं, आप देख सकते हो, दे ऑलवेज ट्राई टू मूव टू द लोअर लिम्ब। आई मस्ट जूम दिस सो दैट यू कैन क्लियरली ऑब्जर्व दिस पाथ। ओके, तो यहाँ पे एंटर करने के बाद आप देख पा रहे हो माइग्रेशन ऑफ इन्फेक्टिव जुवेनाइल्स टू द
इनग्विनल लिम्फ ग्लैंड्स, और ये एकदम नीचे की ओर आया, आप देख पा रहे हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज पर्टिकुलरली, अगर ये मेल है तो ये मेल का क्या है बेटा, स्क्रोटम वाला पार्ट है। इसके अलावा ये पाँव में, लोअर लिम्ब में भी ट्रांसफर होते हैं, पहले एक पाँव में ट्रांसफर होंगे, फिर ये मूव करेंगे, फिर ऊपर के पार्ट में जाएंगे और थोरेसिक पार्ट में कहीं ये रहने की कोशिश करेंगे, फिर वहाँ से मूव करेंगे रात के समय और फिर ये नीचे दूसरे लिम्ब में आएंगे, तो एक डायगोनल मूवमेंट भी करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप ये देख पा रहे हैं कि इनका डेवलपमेंट होना शुरू होता है, धीरे धीरे ये मैच्योर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर ये कॉपुलेशन करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। सो एडल्ट वर्म्स, ठीक है, आप देख सकते हैं एडल्ट वर्म्स यहाँ पर प्रेजेंट है, फीमेल और मेल इन लिम्फेटिक टिश्यू ऑफ द मैन, और इस तरह से फिर अब यहाँ पे ये प्रेजेंट हैं तो ये क्या करेंगे भाई, मूव करेंगे, ब्लड वेसल्स में जाएंगे और फर्टिलाइज करेंगे तो एग बनाएंगे, एग बनाएंगे तो ये फिर से अपने क्या करेंगे, लार्वी कंडीशंस में आएंगे, फिर वो लार्वी क्या होते हैं, माइक्रोफाइलरी के फॉर्म में आरबीसी में जाते हैं और वो फिर से मूव करके पूरी बॉडी में सर्कुलेट होते रहते हैं, क्यूलिक्स आएगा, इन्हें खाएगा तो ठीक है। इसके बाद इनमें फिर से डेवलपमेंट होता है, L1 लार्वी स्टेज 1, लार्वी स्टेज 2, लार्वी स्टेज 3 एंड देन L4 यहाँ पे इन्फेक्टिव स्टेज के फॉर्म में है। फिर से ये जो क्या होते हैं L4 जो कि प्रोबोसिस में पड़ा होगा मॉस्किटो के, अगर ये फिर से मॉस्किटो किसी हेल्दी ह्यूमन को बाइट करता तो फिर से ये ट्रांसफर होगा और आपको पता है कि ये फिर से लोअर लिम्ब की ओर ट्रांसफर होना शुरू होगा। तो इस तरह से वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टाई अपना मूवमेंट शो करता है। मेरे ख्याल से आपको लाइफ साइकिल बहुत अच्छे से समझ में आ गई, यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो आप याद कर लेंगे कि जो L1 है जो कि ह्यूमन बीइंग में नॉर्मली प्रेजेंट है ये इन्फेक्टिव नहीं होगा, और जो L4 है जो कि मॉस्किटो में प्रेजेंट है ये इन्फेक्टिव स्टेज है, और ये यहाँ पे इनकी जो क्या बोलते हैं माइक्रोफाइलरी हैं, इनके डिफरेंट स्टेजेस होते हैं फ्रॉम L1 to L4। एम आई क्लियर, आप में से कहीं किसी को कोई दिक्कत? यस, अगर किसी को दिक्कत है तो पूछ सकता है, मेरे ख्याल से तो नहीं है, नहीं है ना, ठीक है। अब यहां पे देखिए ये क्लिनिकल एस्पेक्ट की बात हो रही है, पर ये थोड़ा सा डायग्राम ठीक ठाक था तो मैंने इसको यहां लगा दिया है, थैंक्स, ये वर्ल्ड में जो क्लिनिकल एस्पेक्ट में ये लोग बहुत ही नॉलेज फैलाते हैं, तो CDC और इनके एलाइज को बहुत बहुत थैंक यू इतने अच्छे साफ सुथरे डायग्राम प्रोवाइड करने के लिए। आप देख पा रहे हैं जो रेड कलर से बना हुआ पार्ट है ये मॉस्किटो के अंदर का पार्ट है, और जो इधर ब्लू कलर में राइट साइड वाला पार्ट है ये ह्यूमन बींग के अंदर वाला पार्ट है। ओके, तो आप देख लीजिए कि अगर मॉस्किटो किसी इन्फेक्टेड पर्सन को सक करेगा, अगर पाँव के आसपास करेगा तो नो डाउट कि उसको तो पक्का मिल जाने हैं माइक्रोफाइलरी, तो इसकी बॉडी में माइक्रोफाइलरी जाएगा, ठीक है। माइक्रोफाइलरी शेड सीथ पेनेट्रेट मॉस्किटो गट एंड माइग्रेट टू द थोरेसिक मसल, तो देख रहे हैं ये जो लार्वी L1 है जो कि ह्यूमन में भी प्रेजेंट होते हैं बट ह्यूमन में वो डेवलप नहीं हो पाते हैं, उनको डेवलप होने के लिए मॉस्किटो में यानी क्यूलेक्स में जाना ही पड़ेगा, फिर ये डेवलप होते हैं L1 से L2 में कन्वर्ट होते हैं, फिर L2 से L3 में कन्वर्ट होते हैं, और इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को आपने देखा भी है जो पीछे डिस्कशन में, फिर ये और भी इन्फेक्टिव स्टेज या L4 में भी कन्वर्ट हो जाते हैं और प्रोबोसिस में जाके पड़े रहते हैं। तो ये जो L3 या L4 हैं ये दोनों ही एबिलिटी रखते हैं इन्फेक्शन करने की, ठीक है, ये दोनों ही एबिलिटी रखते हैं इन्फेक्शन करने की। स्पेसिफिकली यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्योंकि ये मेडिकल एस्पेक्ट से है, तो आप देख पा रहे हैं मेडिकल एस्पेक्ट में L3 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये आसानी से डायग्नोस किया जाता है, तो ये डायग्नोस्टिक फीचर वाले, मतलब इसको इन्फेक्टिव स्टेज भी कह सकते हैं, इन्फेक्ट भी होता है और इसको हम देख भी सकते हैं। इसके अलावा एडल्ट्स बहुत अच्छे से डायग्नोस होते हैं, हमारी बॉडी में एडल्ट्स बहुत अच्छे से दिखते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ माइक्रोस्कोप जैसा कहीं सिंबल बना होगा, यस लाइक दिस, यानी हम पहचान कर सकते हैं इन लोगों की। इसके अलावा माइक्रोफाइलरीज की भी पहचान कर सकते हैं, ठीक है। तो L3 और L4 दोनों ही सक्षम हैं इन्फेक्शन करने में। क्लिनिकल बात करें तो L3 ज़्यादा एक्टिव माना जाता है इन्फेक्शन करने के लिए क्योंकि इसकी माइग्रेशन स्पीड अच्छी मानी जाती है, टेल इसका बहुत अच्छा होता है जिससे कि मूवमेंट बहुत अच्छा करता है। सो L3 लार्वी एंटर इनटू द स्किन एंड L4 आल्सो एंटर इनटू द स्किन,
और इसके बाद ये तुरंत इनका एक पैटर्न होता है, जैसे ही ये हमारी बॉडी में एंटर करेंगे हेल्दी ह्यूमन बींग में, ये तुरंत लोअर लिम्ब की ओर मूव करेंगे। इनकी एक पर्टिकुलर टेंडेंसी आप याद करेंगे, लोअर लिम्ब में करेंगे और स्पेशली स्क्रोटम के आसपास और लोअर लिम्ब में जहाँ पे लिम्फेटिक नोड्स हैं वहाँ पे जाके स्टॉप हो जाते हैं। क्योंकि इनको फर्दर जो मैच्योरेशन होना है वो लिम्फेटिक मैच्योरेशन होना है, और वो मैच्योर होके एडल्ट स्टेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। और आप देख पा रहे हैं कि ये एडल्ट कहाँ हैं, एडल्ट इन लिम्फेटिक्स। तो एडल्ट्स कहाँ पे पाए जाएंगे, लिम्फेटिक्स में पाए जाएंगे। ओके, नाउ एडल्ट प्रोड्यूस सीथेड माइक्रोफाइलरी, यानी आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे प्रोड्यूस सीथेड माइक्रोफाइलरी दैट माइग्रेट इनटू द लिम्फेटिक एंड पेरिफेरल ब्लड सर्कुलेशन, और फिर ये मूव कर जाते हैं पूरी बॉडी में हर तरफ। और अगर इसको माइक्रोफाइलरी L1 स्टेज में पड़ा रहेगा और इसको अगर फिर से कोई हेल्दी मॉस्किटो बाइट करता है, राहुल जी गुड मॉर्निंग, तो फिर से ये बॉडी में चला जाएगा किसके, मॉस्किटो के, और वहाँ पे डेवलपमेंट होगा। आई थिंक अब ये बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुका है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो बस इतना ही, वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टाइटिस है, आप दो तीन चीज़ें बहुत अच्छे से याद करेंगे कि यहाँ पर रेनेट सेल्स प्रेजेंट होती हैं, है ना, जुवेनाइल स्टेज में भी आपको रेनेट सेल्स देखने को मिलेंगी, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि ये क्यूलिक्स ट्रांसफ़र करता है, अगर आपको स्पीसीज ना दी गई हो तब भी आप क्यूलिक्स जरूर पढ़ें, जीनस को जरूर याद रखें, क्यूलिक्स इसका इंटरमीडिएट होस्ट है। तीसरी बात कि इनका मैच्योरेशन और डेवलपमेंट लिम्फेटिक सिस्टम में होता है, कहाँ होता है भाई, लिम्फेटिक ग्लैंड्स में होता है, ये ज़रूर याद रखेंगे आप, लिम्फेटिक ग्लैंड्स में होता है। चौथी बात कि इनमें जो लार्वल स्टेजेस आते हैं उसमें, उसको हम माइक्रोफाइलरी कहते हैं, ठीक है, और वो कई स्टेजेस में होते हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो L1, L2, L3 अप टू L4, L4 सबसे मैच्योर पार्ट माना जाता है, जो इन्फेक्शन करने में सबसे ज़्यादा सक्षम होता है, बट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि L3 भी इन्फेक्शन कर सकता है। तो कुछ चीज़ें आप ज़रूर याद रखेंगे और इनके पैटर्न को ज़रूर याद रखेंगे, डायगोनल होते हैं और इनकी मूवमेंट जो होती है डायगोनल होती है। इन्फेक्शन करने के बाद ये सबसे पहले लोअर लिम्ब में जाना पसंद करते हैं, लोअर लिम्ब्स में जितने भी लिम्फेटिक नोड है वहाँ पे अपने आप को मैच्योर करना ये ज़्यादा पसंद करते हैं। तो वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टाइटिस से इतना ही है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब जो आप देख सकते हैं कि मॉस्किटो है भाई, अब यहाँ पे मॉस्किटो का स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, फिलहाल तो ये क्यूलिक्स है, ठीक है, लेकिन कई बार मैंने कहा था एडीज भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, यानी इंटरमीडिएट होस्ट आप कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं है, ये चेंज हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्यूलिक्स रिपोर्ट किया जाता है। वैसे भी क्यूलिक्स आसानी से मिल जाते हैं, ग्रो होने के चांसेस होते हैं, ठीक है, अलग अलग ज्योग्राफिकल कंडीशन में क्यूलिक्स ज़्यादा अवेलेबल हैं। सो इन ब्लड ऑफ मैन माइक्रोफाइलरी शो डे एंड नाइट पीरियोडिसिटी, यही मैं बात कर रहा हूँ कि ये डायर्नल रिदम शो करते हैं, दिन और रात में अलग अलग डायरेक्शन में ये फ्लो करते हैं। रात के समय पीड़ा बढ़ जाती है मरीजों की, है ना, तो रात के समय अलग डायरेक्शन में और दिन में अलग डायरेक्शन में। सो डे एंड नाइट पीरियोडिसिटी एंड दिस इज कॉल्ड डायर्नल रिदम, दिस इज कॉल्ड डायर्नल रिदम। ओके, सो अब कहाँ और कैसे मूव करते हैं एक बार देख लीजिए, लुकआउट कर लेते हैं, बहुत सिंपल सा नोट्स है। बाई डे दे लाइव इन लार्ज डीप सीटेड ब्लड वेसल्स, दिन के समय ये ब्लड वेसल्स में है और ये हमारे थोरेसिक पार्ट में बहुत ज़्यादा डीप सीटेड हो जाते हैं। बट एट नाइट ड्यूरिंग द स्लीप दे कम ऑन या कम इन टू द सुपरफिशियल और पेरीफेरी वेसल्स, बाहर वाले ऊपर वाले वेसल्स में माइग्रेट करने लगते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये दिन में और रात में अलग अलग पोजीशन पे चले जाते हैं और ये एक्टिव मूवमेंट करते हैं, ऐसा करने के लिए एक्टिव मूवमेंट करते हैं ये, है ना। तो सुपरफिशियल या आप कह सकते हैं कि पेरिफेरल वेसल इन द स्किन टू बी सक्ड बाय द नॉक्टर्नल मॉस्किटोज, जो रात में हमको काटते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ रात के समय हमें काटते हैं, जब क्यूलिक्स और एडिस की बात कर रहे हैं, ये दोनों ही हो सकते हैं, बट सबसे ज़्यादा आपको पता ही है कि क्यूलिक्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल बनता है। भाई क्यूलिक्स प्लीज़ हमें ऐसा ना करना, है ना, तो क्यूलिक्स याद रखेंगे, क्यूलिक्स एंड एडिस बोथ, ये दोनों क्वेश्चन आ सकता है कि क्यूलिक्स और एडिस में कौन, और अगर दोनों देने के बाद मतलब ऑप्शन ए में लिख दे क्यूलिक्स, ऑप्शन बी में आपका लिखा हो एडिस, ऑप्शन जो सी हो उसमें लिखा हो
none of the above, और D में लिखा हो both A and B, both A and B, तो आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए प्लीज़ एक बार मैसेज करके बता दीजिए। मेरे ख्याल से आपको पता है यहाँ पे ऑप्शन होगा D, ऑप्शन D पे ही आप टिक करेंगे, प्लीज़ इसको कंफर्म कर लीजिए। अगर क्यूलिक्स और रेडिस दोनों ही दिया हुआ है तो आप, और इस तरह का ऑप्शन है कि बोथ ए एंड बी, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, यहाँ पे सही हो जाएगा। लेकिन 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 बहुत ध्यान से समझिए, लेकिन अगर डी वाला ऑप्शन यहाँ पे ऐसा ना हो, है ना, वो ए पे क्यूलिक्स हो, बी पे एडीज हो, सी पे कुछ और हो, डी पे कुछ और हो, तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ क्यूलिक्स को टिक करेंगे कि क्योंकि क्यूलिक्स मेजर पार्ट, क्यूलिक्स यहाँ पे एक बहुत ही मेजर पार्ट अपना क्या होते हैं प्ले करता है, एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, तो फिर हमारा आंसर क्या होगा, क्यूलिक्स ही होगा, ये याद रखेंगे। सो यू मस्ट बी रेडी फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ हॉचपॉच, तो किसी भी तरह का हॉचपॉच किया जाए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप अच्छे से इसको आंसर कर पाए। क्लियर है, ओके आगे बढ़ते हैं। तो रात में ये हमें बाइट करते हैं क्यूलिक्स और एडिस, और ये इंटरमीडिएट होस्ट की तरह सर्व करते हैं। इन प्लेसेस वेयर देयर आर डाइअर्नल मॉस्किटोज दे रिवर्स दिस पीरियडिसिटी, है ना, तो अब इस पीरियडिसिटी को कई बार क्या करते हैं कि रिवर्स भी कर देते हैं, यानी जो दिन में होने वाली कंडीशन है वो रात में हो, रात वाली कंडीशंस दिन में, तो भाई ये काफ़ी समझदार भी है। Microfilary in human blood eventually die unless ingested by intermediate host sucking blood from infected human. तो अगर microfilary को suck ना किया जाए, यानी वहाँ पर वो आपकी Culex और Aedes या diurnal जो इस तरह की mosquitoes हैं ना present हों, तो already Wuchereria bancrofti के microfilaries की death हो जाएगी। लेकिन problem तो ये है कि वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टाई तो वहीं पर डेवलप होगा मैक्सिमम, जहाँ पे कि ये डायर्नल आपके मॉस्किटोज हैं, और फिर डायर्नल मॉस्किटोज हैं तो मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, मैं जाऊँ डंक मार के आऊँ, है ना, और ये फीमेल होती हैं भाई, अब आपको पता है कि इनको प्रोटीन चाहिए, तो इसलिए हमारे ब्लड को सक करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इनको अपना एग बनाना है, अपने चक्कर में हमको इन्फेक्शन करते हैं। तो आई थिंक वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टाई की कहानी बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई है। मॉस्किटो में अब कैसे डेवलप होगा एक बार देख लेते हैं, ऑलरेडी वैसे आपने देख लिया, देख लेते हैं, और ये लास्ट स्लाइड है, इसके बाद ये फिनिश हो जाएगा। ओके ओके, डेवलपमेंट इन मॉस्किटो, इन सम इन द स्टमक ऑफ मॉस्किटो माइक्रोफिलरी लूजेस देयर सीथ, ऑलरेडी हमने वहाँ डायग्राम में देखा था, बट पेनेट्रेट इन टू द स्टमक वॉल, पहले ये स्टमक वॉल में जाएंगे, देन माइग्रेट टू द थोरेसिक मसल्स और विंग मस्कुलेचर, जो विंग की मस्कुलेचर होती है जहाँ पे वो मसल्स होती हैं वहाँ पे जाएंगे, या तो फिर थोरेसिक मसल में जाएंगे, और वहाँ पे फिर इनकी मेटामॉर्फोसिस होती है, और फिर ये L1 से L2 में, फिर L2 से L3 में, इस तरह से ये कन्वर्ट हो जाते हैं। दे चेंज फर्स्ट टू द प्लम्प सॉसेज शेप्ड ऑर्गेनिज्म, लेटर टू द मोर इलोंगेटेड फॉर्म, एंड फाइनली स्लेंडर जुवेनाइल ऑफ द थर्ड इन्फेक्टिव स्टेज L3 वाले में पहुंच जाते हैं, है ना, L3 ये याद रखेंगे। तो L3 इन्फेक्टिव स्टेज है, ये बढ़िया इन्फेक्शन करेगा, आपने ऑलरेडी वहाँ क्या बोलते हैं जो मेडिकल वाला क्लिनिकल एस्पेक्ट था वहाँ भी देखा आपने, तो थर्ड इन्फेक्टिव स्टेज, और ये इन्फेक्टिव स्टेज है जो थर्ड वाली होगी, इन्फेक्टिव स्टेज है। माइक्रोफाइलरी अंडरगोज टू मोल्ट्स इन अबाउट 10 days टू रीच द थर्ड स्टेज, यानी L1 से L3 तक की यात्रा 2 molts में होगी, कितने molts में, 2 molts, तो ये भी आप याद करेंगे भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, कितने molts होने चाहिए, 2 molts होते हैं लगभग। कितना समय लगता है, अप्रोक्सीमेटली 10 to 11 days, am I clear? Okay. और ये 1.5 millimeter long होंगे। Infective juveniles now migrate into the mosquito's labium, जिसको कि आप proboscis कहते हैं, और ये L3 आगे infect कर सकता है, फिर ये develop होके L4 और फिर mature form में हो जाते हैं, और वो
मैच्योर फॉर्म कहाँ होता है? ह्यूमन बींग के अंदर, लिम्फेटिक नोड्स के पास. इन्फेक्शन टू द न्यू ह्यूमन होस्ट ऑलरेडी आपको पता है कैसे होगा. व्हेन दिस मॉस्किटो पियर्सेस इट्स प्रोबोसिस इनटू द अनदर पोटेंशियल ह्यूमन होस्ट, द इन्फेक्टिव जुवेनाइल्स कम आउट ऑफ द लेबियम इनटू द स्किन ऑफ द विक्टिम एंड एंटर. दे प्रोबेबली पेनेट्रेट थ्रू द वुंड, जो घाव बने होते हैं जो कि डंक घुसाने से बनता है, छोटा सा पियर्स है ना, और उसके थ्रू फिर वो हमारे ब्लड में आते हैं और इस तरह से वो मूव करते हुए हमारे लिम्फेटिक ग्लैंड से पहुंचते हैं. इन न्यू ह्यूमन होस्ट जुवेनाइल पासेस इनटू द लिम्फ ग्लैंड्स एंड लिम्फ पैसेजेज वेयर दे कॉइल अप एंड डेवलप इनटू द एडल्ट वॉर्म. एडल्ट स्कॉपुलेट एंड फीमेल्स डिलीवर माइक्रोफाइलरी. तो मेरे ख्याल से अब तो आपको विचरेरिया बैनक्रॉफ्टाई में कहीं कोई दिक्कत नहीं है. अगर है तो आप मैसेज कर दीजिए, मैं देख लेता हूं, क्योंकि अब ये स्लाइड हो गई फिनिश. तो डिस्कशन कर लेते हैं. अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है विचरेरिया बैनक्रॉफ्टाई से तो प्लीज़ जल्दी से मुझे क्वेश्चन कर लीजिए, मैं आंसर दे दूं. और नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, तब तो फिर जय श्री राम. आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, अगर प्रॉब्लम होगी तो आप लोग नॉर्मल चैट भी कर सकते हैं ड्रॉप बॉक्स में, वहाँ से भी मैं आपको आंसर